हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर मास्टर कैडर। सो टुडेज क्वेश्चन इज द लैम्ब्रस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर मोस्टली डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व ड्यूरिंग, मीन जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम होता है तो वो कब इजीली डिस्टिंग्विश होता है, मीन अलग हमें दिखता है। तो ये जो स्टेजेस के नेम गिवन है, डिप्लोटीन, लैप्टोटीन, पैकेटीन एंड जाइगोटीन, ये सभी के सभी स्टेजेस प्रोफेज की सब स्टेजेस होती हैं। अब ये प्रोफेज क्या है? जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं, सेल साइकिल में हम मेनली ये पढ़ते हैं कि सेल कैसे डिवाइड होता है। उसकी टू टाइप्स हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। जब हम मियोसिस पढ़ते हैं तो जो पहली स्टेज आती है दैट इज प्रोफेज, तो प्रोफेज की ये फाइव सब स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकनेसिस। ये जो सीक्वेंस वाइज मैंने स्टेजेस यहाँ पे सेपरेट करके लिखी हैं, ये इसी सीक्वेंस में आती हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में इनका कोई सीक्वेंस नहीं पूछा है, इसमें सिर्फ ये पूछा है कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम किस में हमें अच्छे तरीके से दिखता है। तो इसका आंसर है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में लैम्ब्रस क्रोमोसोम इजीली विजिबल होता है, अच्छे से दिखता है। बाकी स्टेजेस का भी हम देख लेते हैं क्या क्या मेनली इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जो लैप्टोटीन है ये फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज की, और इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, आप कह सकते हो जो क्रोमोसोम्स होते हैं अच्छे से सेग्रीगेट हो जाते हैं ताकि फर्दर जो क्रॉसिंग ओवर हो सके। एंड नेक्स्ट स्टेज होती है इसके बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम है पास पास होते हैं और क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है, और पैकेटीन में कंप्लीटली सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंड उसके बाद डिप्लोटीन आती है एंड फाइनली डाइकेनेसिस, और स्टेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और क्रॉसिंग ओवर भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती होती है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस हर स्टेज की हम याद रख सकते हैं। डिप्लोटीन में आप लैम्ब्रस क्रोमोसोम इजीली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। वार्ट लाइक स्वेलिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द लाइकन थैलस आर नॉन एज। देखो जो वार्ट लाइक स्वेलिंग होती है लाइकन की, तो उसे क्या कहते हैं हम? सारे ही जो ऑप्शन है इंपॉर्टेंट है और लाइकन नहीं पाए जाते हैं। जितने ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सारे के सारे लाइकन में हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहाँ पे पहले जो ऑप्शन है ये है दैट इज सिफेले। सिफेले कप लाइक पिट्स होते हैं लाइकन के अंदर, और ये जो कप लाइक पिट्स हैं इनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम नॉर्मल प्लांट के अंदर स्टोमेटा का रोल पढ़ते हैं, सिमिलर सिफेले का रोल होता है, या फिर लाइकन में हम स्टोमेटा को सिफेले कह देते हैं, ये समझ लो। इसके बाद इसीडिया एंड सोरेडिया। इसीडिया एंड सोरेडिया स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, या फिर आप कह दो एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही पे में होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं जिसमें कि फॉर्मेशन होगा स्पोर्स का, राइट? तो यहाँ पे वेजिटेटिव की जगह हम कर लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वेजिटेटिव में अक्सर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन वगैरह होता है। और जो सिफेलोडिया होते हैं, सिफेलोडिया वॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, मीन स्वेलिंग्स होते हैं। ये वॉट लाइक स्वेलिंग्स जो कि लाइकन के सरफेस पे पाई जाती है, और मैं इसकी आपको दिखा भी देती हूँ एक पिक्चर। ये स्फेलोडिया शो किए गए हैं। हाँ जी, ये जो स्ट्रक्चर है नेचुरली हम इस तरीके के दिखेंगे। जब हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो हमें सिफेलोडिया इस तरीके से विजिबल होगा। ये वॉट लाइक स्वेलिंग है, राइट? अब इसके बाद हम, ये भी क्लियर हो गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं फर्दर लाइकन में। शरबती सनारा इज अ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ वीट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो जो शरबती सुनारा है ये एक वैरायटी है वीट की जो कि म्यूटेंट है। म्यूटेंट को कैसे क्रिएट किया हम ये भी देख लेंगे। इस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया था स्वामीनाथन जी ने और उनके जो भी ग्रुप मेंबर्स थे, और उन्होंने किया क्या था, मैक्सिकन सुनारा 64 को इरेडिएट किया था गामा रे से, जिससे कि ये शरबती सुनारा वैरायटी बनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।